बड़वानी निजी बैंकों के द्वारा किसानों को आकर्षक स्कीम बताकर ऋण दे दिया जाता है, लेकिन उसके बाद कई तरह से प्रताड़ित भी किया जाता है। और ऐसा ही एक मामला शहर में सामने आया, जहां पर इंडसइंड बैंक में पहुंचे किसान ने बताया कि उसने एक साल पहले ऋण लिया था, जो कि ब्याज सहित भर भी दिया, लेकिन अब खाता बंद करवाने आए तो 4% क्लोजिंग चार्ज मांगा जा रहा है। गौरतलब है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी का रैकेट चल रहा है, जिसकी उच्च स्तर पर शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं मामले को लेकर जब बैंक अधिकारी से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि सारे ऋण स्वीकृत करते समय नियम बता दिए जाते हैं। किसान आए हैं, लोन फोरक्लोजिंग चार्ज लिया जा रहा है सर, सेंक्शन लेटर सारी कंडीशन है, आप सेंक्शन लेटर देख लीजिएगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ का कर्मचारी हूँ। किसान यहाँ पर खाता नहीं रखना चाहता है, लोन क्लियर कर रहा है, अन्य बैंक पे जा रहा है, तो आप चार्जेस कम कर रहे हो सर। सेंक्शन लेटर सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, तो सारी दिख रही है। पहले ब्याज दर उससे 12% के हिसाब से लिया है, अभी 10.5% ले रहे हो, क्या है सर? कस्टमर की रिक्वायरमेंट की इसलिए बोल रहे हैं, और वो अभी 18 तारीख को मैं बंद कर रहा हूँ, पिछली जनवरी की, तो बंद करने के बाद मैंने पूरा लोन भी भर दिया, ब्याज भी भर दिया, और जब NOC मांगी तो ये फोर क्लोजिंग चार्ज मांग रहे, और फिर मेरे को पूछा कि आप बंद क्यों कर रहे हो, तो मैंने कहा मैं दूसरी बैंक में जा रहा हूँ, यहाँ का ब्याज ज़्यादा है। बैंक में हमारे भगवान जी ने 1 वर्ष पहले लोन लिया था, पूरा लोन भर दिया ब्याज सहित। जब ये नोटिस मांगने आए तो इनको ये बताया गया कि पूरे लोन पे 4% आपको जो है क्लोजिंग चार्ज लगेगा। अब हम ये कह रहे हैं कि जो आप ले रहे हो उसको हम आपके लेटर पेड पे लिखित में दे दो कि इतना लगेगा। अब ये कह रहे हैं हमने सेंशन लेटर जब करवाया था, जब साइन करो, जबकि किसान जो है यहाँ का किसान हिंदी जानता है, इन्होंने सेंशन लेटर के समय कोई समझाया नहीं और जो है साइन करवा लिया और लोन दे दिया है। अब उसमें किसान तो बेचारा ये रहा, अब ये ज़्यादा ब्याज ले या किसान किसी प्रकार से इनसे प्रताड़ित हो, उसके बाद भी इसके इनके यहाँ रहना जरूरी हो गया, बंधक हो गया है बैंक।